श्री मारवाड़ मेघवाल सेवा संस्थान के तत्वावधान में सुनाना के जूरीधाम प्रांगण में रविवार को आयोजित सामाजिक चिंतन शिविर उदयपुर के पुलिस आईजी सत्यवीर सिंह ने जात नहीं जमात बने की अवधारणा प्रस्तुत करते हुए कहा कि अनुसूचित जातियों को एक जाजम पर आना होगा और सभी अनुसूचित जातियों को ऊपर उठने के आपस में एक दूसरी जाति को समान अवसर उपलब्ध कराने में सहयोगी बनना होगा। उन्होंने कहा कि इसी अवधारणा पर उनका संगठन अजाक काम कर रहा है। सत्यवीर सिंह ने शिविर में अनुसूचित जातियों के उत्थान एकता प्रतिभाओं के उन्नयन विकृतियों को रोकने के विषय में संबोधित किया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि लेखक भंवर मेघवंशी ने कहा कि घरों को थाली बर्तनों को सजाने की बजाय किताबों से भरे और पढ़ने की आदत डालो, जिससे समाज अंधविश्वास एवं कुरूतियों से मुक्त हो सके। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्थान संरक्षक अचला राम मेघवाल ने कुरूतियों पर बोलते हुए मौजूद लोगों से मृत्यु भोज नहीं चाहने वालों से हाथ खड़े करने को कहने पर सभी ने सहमति में हाथ खड़े किए। इसी के साथ उन्होंने घोषणा की कि उनकी मृत्यु के बाद मृत्यु भोज नहीं किया जाए। इस घोषणा का सभी ने करतल ध्वनि से स्वागत किया और कहा कि समाज सुधार की दिशा में मेघवाल की यह घोषणा एक महत्वपूर्ण कदम होगी। कार्यक्रम का शुभारंभ बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ हुई। इस दौरान अतिथियों का स्वागत करते वक्त आईजी सत्यवीर सिंह ने माला वैसाफा पहनने से इनकार किया और कहा कि शिष्टाचार में सम्मेलनों में काफी समय और पैसा फिजूल हो जाता है। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों के हाथों से संस्थान ने कोरोना काल में निराशित हुए 18 वर्ष व इससे कम आयु के अध्ययनरत बच्चों की मदद के लिए आर्थिक सहायता वितरित कराई। वह संस्थान के अध्यक्ष नारायण लाल तंवर, सचिव मांगीलाल गहलोत व कोषाध्यक्ष नारायण लाल लुंगेशा, संस्थान के पूर्व अध्यक्ष प्रमोद पाल सिंह, पूर्व कोषाध्यक्ष तुलसी राम बोस व रानी तहसील संस्थान के अध्यक्ष पुखराज बागोड़ा, डिस्कॉम XEN हरीश देवपाल, पूर्व जिला रसद अधिकारी TR भाटी, प्रधानाचार्य TR बागरेचा, भानाराम मुबारसा व ग्राम विकास अधिकारी, आपको बता दें नारायण मुबारसा, समाज सेवी वदाराम बोस सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारीगण व संस्था कार्यकर्ता मौजूद रहे। सुनाना से पाली भीमराज पारंगी की रिपोर्ट।